अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ खुदा कुछ लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाएंगे, लोग इन्हें अपने कदमों से रोंदते होंगे, यानी पाँव से रोंदते होंगे। पूछा जाएगा, ये चींटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? इन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हर किसी को अपनी रहमत में रखे, और हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके सिखाए, सुनते सिखाई, और हम उन सुन्नतों को लेके, अहादीसों को लेके आगे चलें। अगर आप मेरी इन वीडियोस को आगे पहुंचाओगे और अहादीसों से, इंशाल्लाह किसी न किसी का कोई मुश्किल होगा तो उसका भला होगा, तो उसकी परेशानी ख़त्म होगी। तो समझे आपने दुनिया में तमाम लोगों की मदद की और तमाम लोगों की परेशानियां ख़त्म की। आज का वजीफा बहुत प्यारा है, सिर्फ 150 मरतबा इस इस्म को पढ़ें, यानी या रहीमू, ठीक है, और आपकी 7 मुरादें पूरी होंगी। यानी कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई मियाँ बीवी का मसला है, माँ बेटे से नाराज़, बेटा माँ से नाराज़, तो या रहीमों का वर्द करें। शादी का मसला है, कोई परेशानी है, चलते फिरते 28 मरतबा या फिर 33 मरतबा या रहीमों पढ़ें। यकीन माने कि आपकी जितनी भी परेशानी है वो चंद ही लम्हों में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई चीज़ गुम गई है, किसी के इम्तिहान में पास होने का मसला है, तब भी या रहीमों पढ़ें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। जितना भी पेचीदा मसला है, कारोबारी बंदिश का मसला है, कोई भी परेशानी है, अपने रब से दुआ करें, अपने रब के रहम को पुकारें। या अल्लाह इनकी मुश्किलें आसान कर दें, या अल्लाह जो सुन रहे हैं उनकी परेशानियों को हल कर दें। ये मेरी दुआ है अपने बहन भाइयों के लिए। तो आप भी जो आप दुआ मांगते हो, अपनी फरियाद, अपनी मुराद पाना चाहते हो, तो ये वजीफा ज़रूर करें। 33 मरतबा करें, 41 मरतबा करें, 11 मरतबा करें, जितना टाइम शॉर्ट है उतने में ये वजीफा करें। जैसे याद आए ये वजीफा करें, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ें, और यकीन माने आपकी जितनी भी जायज हाजत है अल्लाह पाक फौरन उसी वक्त पूरा करते हैं। ये एक लम्हे का वजीफा, एक ही टाइम में पढ़ा जाने वाला वजीफा है, एक दफा जरूर इसको करें, इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किल आसान होगी। इसी के साथ इस बहन को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें या इस्तखारा करें, तो हमसे जरूर राब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी।